जैसे से ग्रुप के सभी दोस्तों को एक बार फिर से जोहार। जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके थे जिसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट बार जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को एक पेन और एक वाइट पेपर लेके बैठना होगा, क्योंकि इस बार जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें ऑप्शन तो चार रहेगा लेकिन उसका आंसर हम नहीं बताएंगे आप लोग को। जैसे जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे, उसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन भी पढ़ के बताएंगे। आप लोग को खुद चूज करना है कि इसका आंसर कौन होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर एक का आपको लग रहा है कि इसका आंसर बी होगा, तो सीरियल नंबर एक देख के उसके बगल में आप बी आंसर लिख देंगे। उसी तरह फिर आगे दूसरा क्वेश्चन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसमें लग रहा है कि उसका उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपको सही लग रहा है, तो आप उसके बगल में सी या जो भी डी लग रहा है वो लिख देंगे। इसी तरह हम लगभग 30 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को उसी तरह आंसर देते जाना है सीरियल नंबर से। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आपको सीरियल नंबर लिख के छोड़ देना है, और जब हम लास्ट में जब इस सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आप खुद से मिला के देखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि झारखंड जेएसएससी लेवल का एग्ज़ाम के लिए है, प्रैक्टिस सेट टाइप का है, जिसमें अभी 30 क्वेश्चन रहेगा जो सारे के सारे झारखंड से रिलेटेड रहेंगे। तो देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है, सिर्फ पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन और उसका चार ऑप्शन बताते जाएंगे शुरू में। उसके बाद जब पूरा क्वेश्चन हम पढ़ के और सारा ऑप्शन भी बता देंगे, आप लोग अपने हिसाब से उसका आंसर देते जाइएगा। उसके बाद लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम सबका आंसर बताते जाएंगे, आप लोग खुद मिला के देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी, कुनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन सी, पाइराइट उत्पादन में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप एक नंबर दीजिएगा, इसमें चारों में से जो आपको सही लग रहा है उसके बगल में वो ऑप्शन लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर सीरियल नंबर दो दीजिएगा, दो देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन ए बी सी में जो सही लगेगा वो लिख दीजिएगा, और इसी तरह आगे भी बढ़ते जाइएगा। बाय द वे, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसमें सीरियल नंबर दे दीजिएगा और उसमें खाली स्थान छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, झारखंड में मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं? ऑप्शन ए कली, ऑप्शन बी अंगनई, ऑप्शन सी मर्दानी झूमर, ऑप्शन डी नटवर नृत्य। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविवाहित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? ऑप्शन ए गोस्नर मिशन, ऑप्शन बी डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन, ऑप्शन सी रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन डी एसपीजी मिशन। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की स्थापना की गई है। यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक है, वो आप सुधार लीजिएगा खुद से। ऑप्शन सी, 1905 ईस्वी में जयपाल सिंह का जन्म हुआ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव, शेर शाह के सेनापति खवास खां के हाथों पलामू के किस चेरोवंशी शासक की पराजय हुई? ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी मधुकर राय, ऑप्शन सी शिवदास कर्ण, ऑप्शन डी महारथ चेरो। क्वेश्चन नंबर सेवन, धूमकुड़िया में प्रवेश कितनी उम्र में दी जाती है? ऑप्शन ए 10 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी 11 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 13 वर्ष, ऑप्शन डी 9 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी, कुनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन सी, पायराइट उत्पादन में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ, खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1862 में, ऑप्शन बी 1832 में, ऑप्शन सी 1874 में, ऑप्शन डी 1824 में। क्वेश्चन नंबर नाइन,
विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 25 फरवरी 2000, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 2000, ऑप्शन सी 25 जून 2000, ऑप्शन डी 25 अगस्त 2000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए झारखंड दशकीय जनसंख्या वृद्धि के दृष्टि से भारत में 10वां स्थान पर है, ऑप्शन बी झारखंड भारत में साक्षरता की दृष्टि से 32वें स्थान पर है, ऑप्शन सी स्त्री साक्षरता दर 55.43% है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडारण संचित हैं? ऑप्शन ए 40.20%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 73%, ऑप्शन डी 85%। क्वेश्चन नंबर 12, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला राज्य का प्रथम अस्पताल कौन सा है? ऑप्शन ए CMC वेलोर, ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन सी रिम्स रांची, ऑप्शन डी SPGI लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन है 17.60%, ऑप्शन बी 25.50%, ऑप्शन सी 23.40%, ऑप्शन डी 15.30%। क्वेश्चन नंबर 14, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालमुम का राजा बनाया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बसंत ढाल, ऑप्शन बी दुर्जन सिंह, ऑप्शन सी नींबू ढाल, ऑप्शन डी सभी। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1762 से 82 तक, ऑप्शन बी 1772 से 1782 तक, ऑप्शन सी 1767 से 77 तक, और ऑप्शन डी 1782 से 1792 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को कब दामिने कौ में परिवर्तित कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 1820, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1822 या ऑप्शन डी 1824। रामगढ़ के किस शासक ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे? ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी ब्रह्मदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर रोरो नदी के किनारे किस जनजातियों ने आक्रमण किया? ऑप्शन ए खरवारों ने, बी संथालों ने, सी मुंडाओं ने, डी हो लोगों ने। 30 जून 1855 को संथालों की एक सभा हुई थी जिसमें भैरव को क्या घोषित किया गया था? प्रथम ए प्रशासक, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी राजा। जाट जाटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी शिव पार्वती, ऑप्शन सी जाट जाटिन, ऑप्शन डी राम सीता। क्वेश्चन नंबर 21, जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है? ऑप्शन ए रक्षाबंधन, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी दशहरा। क्वेश्चन नंबर 22, चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी खुट्टी, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दुमका। झारखंड के कुंजन लकड़ा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थे। आपको बताना है कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी समाजसेवी, ऑप्शन डी गायक। क्वेश्चन नंबर 24, प्लास्टिक छोड़ो वोट करो अभियान राज्य के किस जिले में चलाई जा रही है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी खुट्टी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय अंडर 19 टीम में किया गया है? ऑप्शन ए प्रियम गर्ग, ऑप्शन बी तिलक वर्मा, ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ऑप्शन डी कुमार कुशाग्र। क्वेश्चन नंबर 26,
यूथ स्पोर्ट डेवलपमेंट की चौथी राष्ट्रीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में कौन सी टीम चैंपियन बनी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी एमपी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर वर्ष 2018-19 में कुल कितने पौधे लगाए गए? ऑप्शन ए 88,000, ऑप्शन बी 58,000, ऑप्शन सी 78,000, ऑप्शन डी 68,000। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए ओरमांझी रांची, ऑप्शन बी सिंदरी धनबाद, ऑप्शन सी बरही हजारीबाग, ऑप्शन डी जरदगा खुट्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हेपत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गुमला, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी सिमडेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सोहराय पर्व के 9 दिन बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए छठ पर्व, ऑप्शन बी देवउत्थान, ऑप्शन सी मंडा पर्व, ऑप्शन डी पशुओं का पर्व। उम्मीद है कि सब लोगों ने सब क्वेश्चन का उत्तर दिया होगा। तो अब हम एक एक करके सबका आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा वन बाय वन। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेट उत्पादन में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि पहले स्थान पे है। पहले स्थान में झारखंड कोयला, अभ्रक और यूरेनियम में भी फर्स्ट स्थान रखता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, झारखंड के मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मर्दानी झूमर। मुकुंद नायक झारखंड का जो सबसे प्रचलित नृत्य है उसके बारे में आप लोग बताइएगा कि ये किस मतलब नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला जो अविवाहित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, जिसको पहले डिग्री कॉलेज के भी नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, इन्होंने ही इस कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी में जयपाल सिंह का जन्म नहीं हुआ था। आप लोग ये भी बताइएगा कि जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था। शेर शाह के सेनापति खवास खां के हाथों पलामू के किस चेरोवंशी शासक की पराजय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराज चेरो की हार हुई थी। धुमकुड़िया में प्रवेश कितनी उम्र में दी जाती है? धुमकुड़िया आप लोग ये बताइएगा कि धुमकुड़िया में तो प्रवेश जो दिया जाता है वो 10 से 11 वर्ष की आयु में दिया जाता है, लेकिन ये धुमकुड़िया है वो किस जनजातियों का युवा गृह है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पैरेट उत्पादन में झारखंड पहले स्थान में है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दूसरे स्थान पर दिखाया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1874 में खरवार आंदोलन झारखंड में हुआ था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किया था?
तो ये हस्ताक्षर जो हुआ था हमारे राष्ट्र उस समय के राष्ट्रपति द्वारा, के आर नारायण द्वारा, वो हुआ था 25 अगस्त 2000 को किया गया था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ए बी सी तीनों सही होंगे, सही है, इसलिए वह इसका आंसर नहीं होगी क्योंकि हमें गलत बताना था, इसलिए वो सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंचित भंडार के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर 73 होगा। कुछ लोग 60% भी बोलते हैं, जो कि शायद उत्पादन की दृष्टि से है, संचित की दृष्टि से नहीं। ऑप्शन नंबर 12, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला राज्य का प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो ये परीक्षण किया गया था झारखंड में ही किया गया था, झारखंड के रिम्स अस्पताल में प्रथम प्रदर्शन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.60। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, नींबू ढाल। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? देखिए इसके बारे में, ये 2-3 चरण में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमने चूज किया है वो ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उसकी भूमि को कब दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया था? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1824। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, रामगढ़ के किस शासक ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे? तो एकमात्र राजा थे रामगढ़ राजा, वो थे मुकुंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर रोरो नदी के किनारे किस जनजाति ने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो लोगों ने। 30 जून 1855 को संथालों की एक सभा हुई थी जिसमें भैरों को क्या घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति, ऑप्शन नंबर बी। जाट जाटिन लोक नृत्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव पार्वती। जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन के समान है। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड लाइन से दोस्ती का आयोजन जो किया गया था वो कुटपी में किया गया था। झारखंड के कुंजर लकड़ा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थे, तो वो एक समाज सेवी थे, ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टिक छोड़ो वोट करो अभियान राज्य के किस जिले में चलाई जा रही है? ये एक्चुअली चुनाव के समय चलाया गया था, और ये जो चलाया गया था वो आपके गुमला शहर में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय अंडर-19 टीम में किया गया है? तो झारखंड से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिसमें यहाँ एक ही का नाम दिया हुआ है, कुमार कुसाग्र का। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा खिलाड़ी का नाम क्या था। यूथ स्पोर्ट डेवलपमेंट की 4थी राष्ट्रीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में कौन सी टीम चैंपियन बनी? आपको ये बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णरेखा नदी के तट पर वर्ष 2018-19 में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78,000। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरही हजारीबाग। आपको बताना है हेपत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो हेपत है, अधिकतर जलप्रपात तो रांची के इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जो दूसरे ज़िलों में हैं, उसमें से हेपत भी है जो है, जिसमें से हेपत भी एक है जो कि गुमले ज़िले में स्थित है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, सोहराय पर्व के 9 दिन बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देवथान। आप लोगों को बताना है कि देवथान में जो धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और आगे वीडियो बनाने का सोच सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।